की जरूरत होती है जो कि उसे नरिशमेंट के लेवल तक ले कर जाता है, उसको नरिश करते हैं, उसको आगे की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मेंटोर जरूर है। मैं किसी और की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। आज जिस लेवल तक मैं पहुँची हूँ, मेरे मेंटोर सर सूफी सर अहमद साहब हैं। अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो ये ऐसे उस्ताद हैं जो हकीकी मायनों में उस्ताद। हकीकी मायनों में उस्ताद क्यों कह रही हूँ? ये एक उस्ताद जो एक बच्चा होता है ना, क्योंकि अपनी माँ की गोद के बाद अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक ऐसे उस्ताद की जो कि उसको सही मायने में ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है वो बताता है। तो सर सगीर अपने पिछले 24 साल करियर में सर की अचीवमेंट है कि जितने भी लोग इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल किया है। आप उनमें से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली नहीं जानते होंगे, जैसे जैसे सर बात करते चले जाएंगे सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे मजीद तो आप लोगों को समझ आता जाएगा। लेकिन अब तक सर माशाल्लाह से 50+ बुक्स लिख चुके हैं, जिसमें सर की एक बुक टाइम टोपोलॉजी जो कि वर्ल्ड वाइड हिट हुई है। टोपोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ सिचुएशन। सर के काम करने से पहले टाइम मैनेजमेंट पर काम हुआ था, टोपोलॉजी टाइम टोपोलॉजी पर काम नहीं हुआ था। तो ये सहरा सर के सर जाता है कि मलीर में एक रहने वाला शख्स और दुनिया भर में जिन्होंने इस किताब से नाम कमाया, और वो जो 50+ बुक्स हैं इनकी वो टोटली ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों को लेकर माशरे की जो इस्लाह थी जिसमें एक सर्वे आ सकती है सर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली सर का टाइम बड़ा कीमती है और आप सबका टाइम भी बहुत कीमती होगा। तो मैं यहाँ पे दावा देना चाहूँगी सूफी सगीर अहमद साहब को कि प्लीज़ वो आएँ, क्योंकि मेरा बोलना ज़्यादा वैल्यूएबल ही होगा सर की बातों के आगे। थैंक यू सो वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही हो गया, सलाम करना सुन्नत है तो जवाब देना वाजिब है, तो जवाब ज़रूर देना चाहिए, सलाम किया जाए ना किया जाए। चले, सारा ने बहुत सा तारुफ करवा दिया, ये भी मेरी एक स्टूडेंट है, ये सारे भी मेरे स्टूडेंट ही हैं। हमेशा स्टूडेंट तो टीचर की तारीफ ही करता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन दो घंटों के बाद अगर आप लोग तारीफ करेंगे तो मज़ा दबाएगा। सही होगी बात। अच्छा, कुछ चीज़ें जहन में रखिएगा, लेक्चर अटेंड कैसे करते हैं, जब तक आपके क्वेश्चंस अच्छे नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन होता क्या है। पूरा मेरा एक लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे इस पर, लेकिन मैं आपको बहुत मुख्तसर सा समझाए देता हूँ। आपके ब्रेन में कुछ मिसिंग जिक्सा होंगे, कोई टॉपिक है जैसे विनिंग स्ट्रेटजीज, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये आपने पहले कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी जगह पर। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन है। तो जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे उतना ज्यादा मैं भी इंजॉय करूंगा और आप लोग भी इंजॉय करोगे। सही हो गया चीजें। टॉपिक पे आता हूं मैं। यहां पे लिखा हुआ है कामयाब। तो कामयाब किसे कहते हैं? कोई भी एक शख्स मुझे बता दे, उधर से मुझे थोड़ा सा स्टार्टर मिल जाएगा। कामयाब किसे कहते हैं? एरोनॉटिकल में बंदा पोजीशन ले ले तो कामयाब हो जाता है। कितने पर्सन? हैप्पी पर्सन। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत मुख्तसर सी, इसको थोड़ा सा कोई और बढ़ा दे, इसलिए कि मुझे हैप्पीनेस समझ में नहीं आई। सेटिस्फाइड। बहुत गहरे जुमले बोले हैं। आपका नाम? यूनस नाम है इस चीज के लिहाज से। सही हो गया। उसमें से एक टी शर्ट निकालें। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया हूं। जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं हर एक क्वेश्चन पे गिफ्ट दिया करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब सुनिएगा कि कामयाब किसे कहते हैं। उन्होंने कहा हैप्पी और सेटिस्फाइड। इसको मैं थोड़ा सा ग्लोबली लेके जाता हूं। मेरी अपनी डेफिनेशन है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड 5-स्टार डेफिनेशन है। आपके अंदर सुकून हो, पहली चीज। नशा करने वाला भी सुकून में होता है? नहीं। अभी ये क्या है? फॉर द टाइम बीइंग। बहुत अच्छी आपने बात बोली। अब इसको समझिएगा, आपके अंदर सुकून हो, आपके इर्द गिर्द सुकून हो, यानी कि आपके घर वाले, आपके दोस्त सुकून में हो, आपके अंदर सुकून हो, आपके इर्द गिर्द सुकून हो। तीसरी चीज, आप सुकून बांटने वाले हो। लोग आपके पास क्यों आ रहे हो? सुकून लेने के लिए। तो क्या हो गया, ये तीन चीजें जिसके पास होती है वो शख्स क्या होते हैं? कामयाब शख्स होते हैं। सही हो गया। एग्री करते हैं या नहीं करते इस बात से?
एग्री करते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर आते हैं, एक होता है सक्सेसफुल आ पर्सन, एक होता है फेलियर। तो हर जगह पे ये कहा जाता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक कामयाब और एक, सही कहते हैं गलत कहते हैं, सही कहते हैं, आप लोग कहते हैं सही कहते हैं गलत कहते हैं, सही कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तीसरी चीज निकल कर आई, कहते हैं सक्सेसर होगा, फेलियर होगा या लर्नर होगा। सही होगी कि या आपने कोई काम किया जैसा सोचा था वैसा हो गया, तो क्या कहेंगे इसको, सक्सेस कहेंगे, सक्सेसर कहेंगे। आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कुछ गेट कर लिया, क्या हुए, लर्नर हो गया। इस चीज के लिए मैंने जो चीजें इसमें से निकाली, मैंने कहा चार तरह की चीजें होती हैं। जहां पर एतराज हो हाथ उठाइएगा, जब तक मैंने कहा कि साथ चलेंगे नहीं ना। रिचर्ड फेमन ने कहा था कि मेरे लेक्चर उस वक्त तक कामयाब नहीं थे जब तक क्वेश्चन नहीं थे। सही हो गए, एक होगा सक्सेसर, एक होगा फेलियर, एक होगा लर्नर, एक होगा वाइजर। अब देखिएगा कैसे, आपने क्या किया, जिस चीज के बारे में काम किया वो वैसे ही मिल गई तो क्या हुआ, सक्सेस। आपने क्या किया, किसी चीज के लिए काम किया वैसे नहीं मिली लेकिन क्या मिल गया, कुछ नॉलेज हो गया, तो वो क्या हुआ, लर्नर। ना आपने लर्न किया ना कामयाब हुए तो क्या हुआ, फेलियर। तीन चीजें समझ में आ गई, चौथी समझिएगा, आपने किसी चीज के लिए काम किया वो चीज भी मिल गई, लर्निंग भी मिल गई, वाइजर। चारों समझ में आ गई, कोई एतराज, आज एक चीज सीख ली आपने। बड़ी मजे की एक और चीज बताता हूं, पीएचडी का पता क्या होता होगा, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी कहते हैं इसको, पीएचडी का जो टीचर होता है, लर्नर, लर्नर। अच्छा क्या हुआ, पीएचडी का जो टीचर होता है वो पॉइंट्स देता है, पॉइंट्स उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिन पर रिसर्च करनी होती है। तो आज जो कीमती पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आपके कीमती तरीन वो पॉइंट्स होंगे जिस पे आप अपने जिंदगी गुजारनी है। पहला पॉइंट मैंने बताया लेक्चर कैसे अटेंड करना है, दूसरी चीज मैंने बताई चार चीजें कि या आप फेलियर हैं, या आप सक्सेसर हैं, या आप लर्नर हैं, या वाइजर हैं। वाइजर बन जाएंगे तो दुनिया को आप तब्दील कर सकते हैं। सही होगी चीज। अगला पॉइंट सीखिएगा, किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आए, एक्स वाई जी किसी भी टीचर का, मैंने मैडम का नाम ले लिया, आप मैडम आपकी क्लास ले रही है तो आप मैडम को क्या बोलोगे, कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं जो समझ में आए। लेकिन यही चीज मुझे नहीं समझ में आई, कैसा, ये तो ओपन क्वेश्चन हो गया। अगर किसी भी बच्चे की जिंदगी तबाह करनी है ना, उसे बोलो जो तुम्हारा दिल करता है ना वो करो, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और उन्होंने, देखिए अपने दर्जे पे बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी ग्लोबल डेफिनेशन लेकर आए जिससे क्या हो, आपकी सारी चीजें सही हो जाए। सही होगी। अब मुझे बताइएगा, मैं अगली बात बताने जा रहा हूं, किसी भी टीचर के पास जब जाते हैं उसे कहती है कि तुमने कैसे किया था, तुमने कैसे किया था, मुझे यह बता दो, मैं भी उन्हीं फुटस्टेप पे चलूंगी या चलूंगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, कितनी चीजें सीख ली, अभी 5 मिनट गुजरे हैं, कितनी चीजें सीख ली आप लोगों ने, क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इन्होंने ये चीज बोली कि आज का टीचर जो है वो वैसा टीचर नहीं रहा। अब देखिए ये वाली चीज जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोली, दुनिया के अंदर तीन अल्फाज थे, फेलियर था, सक्सेसर था और लर्नर था, चौथा मैं लेकर आया हूं। तो यही चीज हमें देखनी पड़ेगी कि आज जो खड़ा होता है यहां पर वो मेटलिस्टिक माइंड कोई पर्सन है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में क्या पहले आता है, बिजनेस, और मैन बाद में आता है, दैट्स व्हाई वो टीचर नहीं है। सही होगी। टीचिंग जो चाहते, ये तो हॉली प्रोफेशन था, इसमें तो इल्म पहले आता था। एग्रीड। चलें आगे चलते हैं, हमने शुरू में चीजें कुछ सीख ली, टीचर। अब मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको यह बताना है कि मैं कैसे कामयाब हुआ था, लेकिन इससे पहले एक और चीज जो है वो मैं समझाना चाहता हूं। किसी को पता है कि नीयत क्या होती है,
आपको पता है, किसी भी काम का सच्चे दिल से इरादा करना नियत कहलाती है। कोई और बताए, कौन बता रहे हैं? आप बता रहे हैं। इरादे के साथ अमल भी जरूरी है, तो ये नियत बनती है। कोई और बताए। दोबारा बोलिएगा, नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। सही हो गया। ये वो सारे अल्फाज थे जो आज तक हमने सुने हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने जा रहा हूं।